गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आपका क्या टॉपिक है? भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा को जानने के लिए आपको समझना होगा कि क्या होती है भाषा। तो देखिए बच्चों, जैसे चिड़िया कैसे करती है? ची ची। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। उसी तरह शेर कैसे दहाड़ता है? रौ। ठीक है, उसी तरह बच्चों कोयल कैसे बोलती है? कुह कुह। तो जो कोयल बोलती है वो आपको उसकी आवाज, उसकी ध्वनि समझ में आती है? नहीं आती। लेकिन जब वह आपस में बात करते हैं तो वह उसकी भाषा को समझते हैं, उसको साझा करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह यह तो हुई जानवर की बात, अब हम करेंगे मनुष्य की बात। जैसे एक बच्चा रोता है या जब उसे भूख लगती है, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह अपनी माँ को कैसे समझाएगा? जब बच्चा छोटा होता है तो वह रो के अपनी माँ को समझाता है और माँ उसके रोने के इशारे से समझ जाती है कि उसको भूख लग रही है। उसी तरह अगर बच्चा बड़ा हो गया, जैसे आप जैसा हो गया, तो आप अपनी माँ को कैसे समझाएंगे? आप बोलेंगे कि मम्मी भूख लगी है। तो जब मम्मी आपकी बात सुनेगी तो वो क्या करेगी? वो समझेगी कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी तरह आज के हमारे टॉपिक में हम ये समझाना चाहते हैं कि भाषा क्या होती है। जब अपने मन की बात, अपने विचार या अपने भाव जब हम दूसरों को बोलकर समझाते हैं तो वह क्या होती है? भाषा। समझ में आया आपको? तो बच्चों, समझ में आया आपको भाषा? अब हम भाषा को परिभाषा के आधार पर हम उसको समझेंगे। ठीक है, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझ में आया आपको? जैसे मुझे आपको कुछ समझाने के लिए क्या करना होगा, या तो मैं अपनी बात को बोलकर आपको बताऊंगी या मैं आपको बोर्ड पर लिखकर समझाऊंगी। तो ये क्या हो गया? ये भाषा हो गई। तो भाषा के अब कितने प्रकार हैं? भाषा के दो प्रकार हैं। पहला लिखित, दूसरा मौखिक। तो बच्चों, भाषा के कितने प्रकार हुए? दो प्रकार हुए, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। जैसे मुझे अपनी बात को आपको लिखकर समझाना है तो वो किस में आएगा? लिखित भाषा। और जब मुझे आपको कोई चीज बोलकर समझानी है तो वो किस में आएगा? मौखिक भाषा। तो हमने भाषा के कितने रूप बताए? भाषा के दो रूप बताए। आइए उनको परिभाषा के आधार पर हम समझते हैं। पहला क्या था? लिखित भाषा, लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे की बात को समझना भी क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया? जैसे लिख कर किसी ने पत्र लिखा और हमने पढ़कर उसको समझा तो वो क्या हो गया? लिखित भाषा। उदाहरण पत्र, तो पत्र किस में आता है? लिखित भाषा में आता है। समझ में आया आपको कि लिखित भाषा क्या होती है? लिख कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, वह लिखित भाषा में आता है। दूसरा प्रकार है मौखिक भाषा। क्या होती है मौखिक भाषा? बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर दूसरों की बात को समझना ही मौखिक भाषा कहलाता है। बोलकर अपनी बात को बोलकर, यानी जैसे अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, कौन सी भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ? मौखिक भाषा में मैं समझा रही हूँ। मैं अपनी बात को बोलकर आपको कुछ बता रही हूँ और आप क्या कर रहे हो? सुनकर मेरी बात को समझ रहे हो। ये किस में आता है? मौखिक भाषा में आता है। बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर दूसरों की बात को समझना ही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। अब मौखिक भाषा के उदाहरण क्या क्या है? रेडियो और टेलीविजन। आप क्या करते हो? रेडियो चला के कोई भी गाना सुनते हो या कोई भी हम क्या सुनते हैं? समाचार सुनते हैं। तो वो किस में आ जाएगा? रेडियो किसका उदाहरण हो जाएगा? मौखिक भाषा का हो जाएगा। टेलीविजन में हम क्या करते हैं?
बोलता है उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। ये किसके उदाहरण है, ये मौखिक भाषा के उदाहरण। तो बच्चों आपको समझ में आया लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है या उनकी परिभाषा क्या है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने भाषा पढ़ी, भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने रूप होते हैं, रूप यानी कितने प्रकार होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, और हमने दोनों की